बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं लोग शुक्र ठीक ठाक, आप लोग भी ठीक ठाक खुश पाश होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुशहरम रखे। आज फ्रेंड्स मेरे किचन में फायर फूड आ रही है, किचन में बनी है अफ़गानी आलू के पराठे। आलू के पराठे सिंपल भी होते हैं जैसे, लेकिन ये अफ़गानी शेप में हमने बनाए हैं अफ़गानी आलू के पराठे, जिसकी अब रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बना मैदा गूंद लेते हैं। मैदे में एक टेबल स्पून मैंने डाल ली है नमक, एक टेबल स्पून ज़ीरा और दो टेबल स्पून मैंने ऑयल घी डाला। घी जिसे सॉफ्ट भी होते हैं और लेयर्स भी बनती हैं। अब मैं इसको थोड़े से पानी हल्का नॉर्मल पानी से इसको मैं गूंद लूँगी। सख्त इसकी डो बना लेंगे। ये जी मैंने इसकी सबसे अच्छी सी डो बना ली है। अब हमारे दूसरा स्टेप जो है वो है आलू मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद इसमें मैं एक छोटा प्याज, एक ग्रीन मिर्च रेड एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून नमक, और मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें मेथी डाल ली है ग्रीन करने के लिए, और मेथी का टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इनको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। फिर जी मैं अब जो है हम इस फिलिंग, ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है अफ़गानी आलू के पराठे की। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत प्यारी शेप भी आती है। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं फिलिंग की तरह। फिलिंग के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक छोटा सा पेड़ा, बिल्कुल छोटा लें तो वैसे सिंपल भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको इसकी लेयर बनानी हो इसकी जो इसको पहले रोल कर लें, अंदर घी लगा लें, इससे ये होता है कि बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और लेयर वाला पराठा बनता है। तो मैं इसमें एक टेबल स्पून जो है वो घी लगा लूँगी। घी पूरे पराठे में लगा के इसको रोल कर लूँगी, इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। ये दिखाऊँगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, गोल अच्छा सा कर लें। और अब इसमें जो है घी मैंने पूरी फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर लेंगे हम और दोनों तरफ से फोल्ड कर लें इसको, जो हाथ की मदद से इसका जो है वो पेड़ा सा गोल कर लें और इसको लंबा लें। अब इसमें अच्छा सा जो है वो मैंने पेड़ा गोल कर लिया है, और इसको अगर आप किसी भी फिलिंग से बना सकते हैं, चिकन वगैरह से, अंडे के फिलिंग से, तो ये नाश्ते में बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत ज़्यादा इसको अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, बहुत मज़े से लगता है। ये जी मेरा तो पेड़ा ही सेट नहीं हो रहा। ये जी अब मेरा पेड़ा सेट हो चुका है, गलाई में तो ज़्यादा नहीं आया, सेट हो गया। अब इसको अच्छा सा बेल लेंगे। फिर इसमें हमने फिलिंग भर के उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा बेल लें तो ये मोटा नहीं होता। इसको डीप फ्राई सबसे ज़रूरी बात है, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी। मोस्टली इसको लोग डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मेरे घर में या मैं खुद भी इतना ऑयल या घी पसंद नहीं करती थी, इसके लिए हमें इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो ये जी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, फिलिंग इसको फिल कर दिया। हम इसको ऐसे अफ़गान शेप अफ़गानी नान होते हैं उस शेप में फोल्ड कर लें, थोड़ा सा इसको बेल लें कि मोटा ना लगे। पेड़ा छोटा सा लें ताकि मोटे ना बने, ताकि अंदर से जल्दी जो है पक जाए। अब इसको हम एक टेबल स्पून घी तवे पे लगा कर और इसको अच्छा सा जो है वो सेक लेंगे।